चहारम के मुद्दासे मुलाजमीन की तनख्वाहें दिए जाने का इंकशाफ। सैकड़ों स्कूलों में गैर कानूनी तौर पर भर्ती मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी जारी। गैर कानूनी मुलाजमीन की तादाद में इजाफा गुज़िश्ता साल हुआ था। मज़ीद तफ़सीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ जी, बिल्कुल, ये भर्तियां जो है गुज़िश्ता हुकूमत में हुई थी, लेकिन इस पर दो इंक्वायरियां हुई और इंक्वायरी में जो मुलाजमीन की भर्ती को खिलाफ कानून दिया गया था, कहा गया था और कहा गया था कि इसमें बेशुमार जो कवायद की जो खिलाफ वर्जियां हैं। इस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और जो ऑडिट की जानब से कहा गया था कि ये जो मुलाजमीन है जिनकी तादाद सैकड़ों में है, फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें रोक दी जाए, लेकिन ताहाल इन मुलाजमीन को तनख्वाहें जो है दी जा रही हैं। इसमें जो इल्जाम स्कूल सरबराहान पर लगाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी स्कूल सरबराहान की जानब से इन मुलाजमीन को एतराजात के बावजूद जो है वो तनख्वाहें दी जा रही है और बहाना लाखों रुपये जो है इन मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में जा रहे हैं। और इस पर, इस स्कैंडल पर दो इंक्वायरियां हो चुकी हैं। ऑडिट कमेटी की जानब से भर्तियों पर एतराज लगाने के बावजूद मुलाजमीन महकमा खजाना से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। ऑडिट कमेटी की जानब से सीईओ लाहौर की तनख्वाहें बंद करने के हवाले से मुतअद्दिद बार लिखा जा चुका है। सीईओ लाहौर की जानब से डिप्टी डीओ सेकेंडरी तनख्वाहें रोकने की हिदायत पर अभी तक अमल दरामद नहीं कर पा रहे। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया।